यस, तो आप लोग यदि ग्रेजुएशन फिजिक्स ऑनर्स से हैं, जो कि अब नए शिक्षा नीति के हिसाब से इसको एमजेसी बोलते हैं, मेजर कोर्स, यदि आपका फिजिक्स जो है मेजर कोर्स में है या माइनर कोर्स में है, तो मॉडर्न फिजिक्स के कई सारे सेक्शंस होते हैं मॉडर्न फिजिक्स के। जैसे आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोल सकते हैं, एटॉमिक फिजिक्स बोल सकते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स बोल सकते हैं, मॉलिकुलर फिजिक्स रहते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स रहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स रहते हैं, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में भी क्वांटम सेक्शन होते हैं एक तरह से जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स को भी जो है मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत ही रखा जाता है एक तरह से जो है। तो ये सारे टॉपिक को नॉर्मली पढ़ने के लिए आपको अलग अलग बुक लेने का जरूरत पड़ सकता है। अब जो लोग नए शिक्षा नीति के हिसाब से चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी वाइज और यूपीएससी बीपीएससी के लिए यदि ऑप्शनल पेपर में फिजिक्स को रखते हैं, तो उस लेवल पे पढ़ाई करने के लिए, तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारे फॉरेन राइटर, जैसे मान लीजिए आर्थर बीजर का बुक रहा करता है और भी एक्स वाई जेड बहुत सारे बुक रहा करते हैं पर्टिकुलर पर्टिकुलर चीजों के लिए, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए गोल्डस्टीन वगैरह आपको रहा करता है, एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि एक बुक जिससे आपका मॉडर्न फिजिक्स के कई सारे सेक्शन हो जाए, तो वो बुक जो है मॉडर्न फिजिक्स का, वो आर मुर्गेसन का रहा करता है। ये काफी मोटा एक तरह से बुक है, आप देख सकते हैं इसका थिकनेस जो है, तो मोटा बुक है इसलिए क्योंकि इसमें क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक, न्यूक्लियर, मॉलिकुलर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये सभी चीजें जो है दिए हुए, प्लस में थोड़े बहुत कुछ कुछ क्लासिकल जो है अलग से लास्ट में जो है डाल दिए गए हैं, ताकि आपको क्लासिकल कॉन्सेप्ट कहीं पे भी इस्तेमाल होता हो तो दिक्कत नहीं हो एक तरह से जो। ये कॉमन बुक है, यदि आप इसको लेते हैं, इसके कवर हो सकते हैं कि नए नए एडिशन में चेंज रहते हैं, लेकिन अंदर का कंटेंट एक ही रहा करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सेक्शन आपको जो है रहते हैं, आपको अच्छे से या तो आप खरीदिएगा बुक स्टॉल वगैरह पे, तो देखिएगा एक तरह से आप देख सकते हैं कई सारे सेक्शन आपको इसमें जो है, एटॉमिक फिजिक्स का सेक्शन दिख रहा है, इधर आपको जो है क्वांटम मैकेनिक्स, मॉलिकुलर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सब का सेक्शन दिखना स्टार्ट होगा। इधर वाले में यदि आप इसको देखते हैं, तो आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स वाले में पोर्शन में सॉलिड स्टेट फिजिक्स के कई सारे सेक्शन होते हैं, आप इसको एक तरह से देख सकते हैं। उसके बाद जैसे आप इधर जो है आप इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पोर्शन रहता है, आप इसको देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये बुक जो है ऑल इन वन एक तरह से मॉडर्न फिजिक्स के कई सारे सेक्शन का काम आपको पूरा करता है। बाकी यदि आप इंटरेस्ट के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो आपको मॉडर्न फिजिक्स जो रहता है आर्थर बीजर, जो कि काफी अच्छा मास्टरपीस बुक बोला जा सकता है, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए आप ग्रिफिथ का ले सकते हैं, नहीं तो हम लोग के एच सी वर्मा जो है उनका भी किताब निकला हुआ है, एच सी वर्मा का बहुत सारे कम लोग जाने करते हैं एक तरह से। अजय घटक का बेहतरीन बुक रहता है, उसका बेसिक क्वांटम फिजिक्स भी आता है, जो कि आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल तक काम आ जाएगा। उसके बाद आपको एडवांस क्वांटम फिजिक्स रहता है अजय घटक का ही जो है, वो आपको जो है एडवांस वाले पार्ट में काम आ जाता है। तो कई सारे बुक हैं, लेकिन एक बुक जिससे आप कई सारे काम चला सकते हैं एक तरह से, तो वो बुक जो है मॉडर्न फिजिक्स आर मुर्गेसन का रहता है, ईस्टर्न पब्लिकेशन से निकलता है, तो मोटा वाला किताब लेता है। अब कई सारे यूनिवर्सिटी वाइज जो है निकालने लगा है ईस्टर्न जो है, नया शिक्षा नीति के हिसाब से यूपी के लिए अलग निकाल रहा है, झारखंड के लिए अलग निकाल रहा है, दो अलग बुक है। ये वाला जो पहले से आते थे वो किताब को आप खरीदते हैं और अच्छा से पढ़ाई करते हैं, उसमें सारे टॉपिक बहुत ढंग से जो है दिए गए हैं एक तरह से जो है। आप खुद अच्छा से पढ़िएगा, जितना मैच्योर्ड होगा उतना ही अच्छा से जो है उसे कीमत समझने लगेगा। लेकिन बोले नहीं कि कुछ बुक्स ऐसे होते हैं मास्टरपीस जिसको आप जो फिजिक्स के इंटरेस्ट के रूप में भी पढ़ना चाहिए, जैसे आर्थर बीजर वगैरह का हम आपको नाम लिए एक तरह से जो, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बॉयल स्टैड वगैरह का किताब होते हैं, तो ये सब जो है एक तरह से मास्टरपीस बुक रहते हैं। तो वह इंटरेस्ट के लिए काफी ज्यादा, एक तरह से आप फिजिक्स के प्रति पैशन है तो आप उसको रख सकते हैं।